अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। आज मेरा बेलफास्ट में फर्स्ट डे है। कल बहुत बहुत ही ठंडी थी, लाइक 2 डिग्री थी, इसीलिए मैंने वार्मर डाल के उसके ऊपर ये वाला नाइट ड्रेस डाल के, देन रज़ाई डाल के एंड सॉक्स पहन के उसके ऊपर ये वाले मेरे रेड सॉक्स डाल के सोई थी मैं। बहुत ही ठंडी थी। एंड ये रहा मेरा विंडो एंड उसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। मौसम बहुत बहुत ही हसीन है। आज मॉर्निंग 11 o'clock बज रहे हैं एंड ये देखिए बाहर बारिश हो रही है यहाँ पे। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, लाइक हमारे इंडिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हर घर सिमिलर वे से बनता है, लाइक हर जगह यहाँ पे स्लोप्ड रूफ होता है एंड इसकी दीवारें रेड कलर की होती है। अब हम यहाँ आ गए एंड अब हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं। हमने पार्किंग कर दी। अब हम पैदल चल के जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की ओर। मेरा कार्ड अभी भी तक नहीं आया है, इसीलिए हम यहाँ घूमेंगे थोड़ी देर। हे गाइस, हम यहाँ शू खरीदने के लिए आए हैं। भैया को जिम शूज़ खरीदने थे, इसीलिए लेकर आए हैं। यहाँ पर सेल चल रहा है। यहाँ पर देखें, ये है पोमा शू। ये 60 pounds है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट 30 pounds हो जाएगा आप लोगों को। सभी शू सेल पे है। ये न्यू ईयर एंड क्रिसमस ऑफर चल रहा है यहाँ पे। टू ओ क्लॉक हो चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत बहुत ही बारिश हो रही है। हम लोग कुछ मॉल्स गए थे, वहाँ पे सेल चल रहा था देखने के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, बट ऐसे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। अभी हम चल के जा रहे हैं। हमें घर के लिए थोड़े ग्रॉसरीज चाहिए था, इसीलिए हम यहाँ पे मॉल में आए हैं ग्रॉसरीज खरीदने के लिए। यहाँ पे बहुत वैरायटी वैरायटी के चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, ये डेट्स हैं तरह तरह के। एंड देन ये रहा हमारा डेयरी प्रोडक्ट एंड लगता है ये मैगी है। हाँ, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैगीज। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखिए, सिनेमन एंड एप्पल का कुछ। हाँ, ये चाय पत्ती है। घी, यहाँ पर कुकीज हैं। देखिए, वैरायटीज ऑफ पल्स हैं।
आपको, जैसे कि मसूर दाल, दैनी कोई दाल है, कुल्थी एंड मूंग, चना, सब कुछ यहाँ पे है। ये देखिए, ये है ड्राई लेमन, जो हम इंडिया में फेंकते हैं वो यहाँ पे पैक करके बेच रहे हैं इसको। यहाँ हमें डिनर के लिए भाई कुछ नॉनवेज खरीद रहे हैं। यहाँ पर हमारा राइस भी है, ये देखिए वैरायटीज ऑफ राइस रखा है। हम इंडियंस को ऑलवेज डाउट रहता है ना कि इंडिया की चीज़ें यहाँ पे मिलती है या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ही यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है इंडिया की। साढ़े तीन बज चुके हैं, हमने रास्ते पर लंच नहीं किया, हम घर वापस आ गए थे कुछ सामान खरीद के। हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया खाने के लिए, जो जस्ट ओवन में रखना है। अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे। हेलो गाइस, हाँ मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। पिज़्ज़ा खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं यहाँ ऊपर मेरे रूम के पे आई, एंड अभी 5:30 बज रहे हैं। तो देखें, 5:30 को ही यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे नाइट वाली फीलिंग आ रही है। अभी बस 5:30 है एंड यहाँ कंप्लीट अंधेरा है। लगता है ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली रात हो चुकी है। अभी भैया मुझे उनके फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो मुझे उसके लिए भी तैयार होना है। रात के 11 बज रहे हैं एंड अब हम रिटर्न हो रहे हैं। भाई के दोस्तों से तो मैंने मिल लिया, वो इंडियंस थे। यहाँ बाहर आने के बाद अगर आपको कोई अपना इंडियन मिल जाए तो लगता है एक फैमिली जैसा फीलिंग आती है आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी दिखाएं कि यूके का नज़ारा कैसा रहता है। एंड ऑल्सो डू लाइक टू माई चैनल। यहाँ से हम अब घर जा रहे हैं। हम घर आ गए हैं। अब मुझे मेरे कपड़ों की अनपैकिंग करनी है, तो मैं यहाँ अनपैकिंग कर लेती हूँ। बाय बाय।